हाय गाइस, तो ये जो ऑयल आप देख रहे हो ना, ये कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, कफ़ एंड कोल्ड में। अभी यश को जो कफ़ एंड कोल्ड हुआ था ना, खांसी बहुत आ रही थी और दवाइयाँ तो हो गई थी सारी, जो भी डोजेस थे सब कंप्लीट हो गए थे। स्टिल उसको थोड़ा थोड़ा रनी नोज और थोड़ी थोड़ी खांसी आई ही जा रही थी। इवन कुछ खाता था ना तो थोड़ा सा खांसी आई और वॉमिट हो जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैंने ये ऑयल बना करके उसको 2-3 दिन लगाया और उसके बाद उसका अब टच वुड मतलब सब ठीक है, तबीयत तो उसकी ठीक हो गई अच्छे से, कंजेशन वगैरह सारा ख़त्म हो गया, रनी नोज भी ख़त्म हो गया। तो ये ऑयल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसकी पूरी डिटेल रेसिपी जो है ना, वो मैंने प्रेगलाइफ चैनल पे डाल दी है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑयल है विंटर्स के हिसाब से, और कोल्ड वगैरह हो तो स्पेशली आप इससे 2-3 बार दिन में मसाज कर सकते हो बच्चे को, तो काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। तो लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कर लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग्स शूट कर रही हूँ। यश तैयार हो गया है, आरव भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज है पूजा, आज है हमारे यहाँ पर सकट चौथ की पूजा, तो बस उसी की तैयारी है। पूजा करने हम लोग जा रहे हैं। मैं डांस करूंगा थोड़ा और पूजा। हाँ। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये सकट चौथ पे ना, हमारे यहाँ पर ये आंसे बनती है और तिलकुट बनता है, तो आंसे ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ और उसी दिन बनाते हैं। आई थिंक पहले से बना के शायद नहीं रखा जाता, बट मैंने मतलब जब भी किया है तो ऐसे तुरंत ही बना के फिर पूजा किया है। तो ये गेहूं का आटा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ पिघला करके डाल देते हैं और पानी में, और साथ में थोड़ा सा तिल डाल देते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं और एक टाइट सा डो बनाते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे ऐसे बना करके इसको मीडियम फ्लेम पे तल लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ जैसे अगर आपने ठेकुआ खाया हो तो उसके जैसा टेस्ट करता है, और उसी के जैसा इसका प्रोसेस भी है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। और फिर यहाँ पर मैंने ये जो तिल है इसको रोस्ट कर लिया था, और इसको गुड़ के साथ में इस तरीके से जार में मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर दूंगी, तो ये तिलकुट बन जाएगा। बस इसी से मेरी पूजा हो जाएगी। आप लोगों के यहाँ क्या बनता है मुझे कॉमेंट करके बताना, और हमारे यहाँ क्या पूजा करके हम लोग को खाना हम खा सकते हैं, तो आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं ये व्रत है ना, वैसे बच्चों के लिए किया जाता है, बट मेरी शादी 2013 नवंबर में हुई थी, और मैंने ये व्रत जो मेरी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ इन्होंने शुरू करवा दिया था, तो 14 में जो मेरा शादी के बाद पहला ये सकट चौथ पड़ा था, तभी मैंने फर्स्ट उसमें शुरू कर दिया था, तो मैं तब से इसको करते आ रही हूँ और मतलब कंटिन्यू। तो आप लोग के यहाँ कैसे रहता है? कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चे होने के बाद ही करते, तो मुझे तो आइडिया नहीं था, जैसा मम्मी ने कहा मैंने वैसा कर लिया था। लेकिन आप लोग मुझे बताना कि आपके यहाँ कैसे होता है, क्या करते हो, थोड़ा सा बताना अच्छा लगेगा सबके यहाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहता है। मेरी मम्मी जो है ना वो कुछ अलग तरीके से करती है, और मेरे ससुराल में कुछ अलग तरीके से होता है, तो जो यहाँ होता है वो मैं फॉलो करती हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने भी मुझे वेट लॉस जर्नी के बारे में पूछा था कि कैसे मैंने क्या किया है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो शेयर कर दिया है। इनकेस अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो लास्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने पूरी अपडेट दी है मेरे वेट लॉस के बारे में। हेलो एवरीवन, सो यश कैसे देख रहे हैं मुझे, ये कर क्या रही है मम्मी, है ना? मुंह धो करके आ गया है, इसने अभी खाना खाया है, सारे बर्तन गंदे कर दिए, आगे से पीछे से सब में थोड़ा थोड़ा लगा दिया गंदा गंदा सब। तो अब ये खाना खा लिया है, इसने मुंह धो लिया है और डायपर भी अब पहन लिया है, क्योंकि अब ये जाएगा भैया के साथ में बाहर। तो अभी मैं थोड़ी देर से आधा मतलब एक घंटा जैसा मान लो, अभी आरव को उठाया है, एक आवाज दी है तो एक आवाज भी तो उठेगा नहीं, 5 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट कम है। तो मैंने आज 2-3 वीडियोज शूट किए हैं, और वेट लॉस के ऊपर भी वीडियो जो है वो मैं शायद पहले डाल दूंगी या इसके बाद डालूंगी, बट वो लंबा हो रहा है वीडियो तो इसमें नहीं इंक्लूड करूंगी, इसके पहले या इसके बाद में मैं पहले डाल दूंगी, जैसे भी एडिट हो पाएगा। तो अभी मैंने इसकी रेसिपी बीच में डाल दी है यहाँ पर, अब मतलब ये क्लिप के पहले आप वो रेसिपी देखोगे मे भी, या तो बाद में देखोगे, पता नहीं मैं एडिटिंग के टाइम पे क्या करूंगी, बट आपको एक रेसिपी जरूर शेयर करूंगी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो वही आज भी इसको मैंने खिलाया है, तो वही मैंने रेसिपी जो है वो आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, और बनाना आप लोग भी। तो अभी ये यहाँ पर डब्बे डुब्बे लग रखे हुए ना, तो ये ना इसके साथ में क्या है कि इतना ज्यादा चंचल है कि ये स्टेबल बैठता नहीं है, या तो सोता है और अगर जगता है तो फिर ऐसे ही कूदता फांदता रहता है। तो बाबू
बाबू बाबू बाबू बाबू बाबू। देखो देखो बिल्कुल भी नहीं, इवन ये हाई चेयर जो है ना अब उस पे भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले हाई चेयर से निकल करके डाइनिंग टेबल पे चढ़ने लग गया था। तो वो तो हम लोग साथ में बैठे थे, हम लोग चाय पी रहे थे। हम लोग क्या है नॉर्मली ना, क्या क्या चाहिए नॉर्मली क्या है कि हम इसको हाई चेयर पे बैठा के फिर आराम से चाय वाय पीते हैं कि ये तो निकलेगा नहीं। बट देखते देखते जो आरव कुछ खा रहा था तो उसकी प्लेट देख करके एक्साइटेड हो गया, और ये इसने बेल्ट लगा रखी थी, स्टिल पता नहीं कैसे क्या दिमाग लगा के धीरे धीरे करके पूरा खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल की तरफ मतलब ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया। तो फिर हमें लगा कि अब तो ये निकल भी सकता है, तो फिर अब उस पर भी हम इसको सेफली नहीं छोड़ सकते, तो अब इसको लेकर के पूरे टाइम बैठना पड़ेगा। आज तो पता नहीं क्या इसके इसकी मेरे ऊपर कृपा थी कि मैं जब वीडियो बनाने गई ना तो ये सोता रहा, उठा नहीं, काफी लंबा सो गया, अदरवाइज तो ये लंबा सोता भी नहीं है। चलो मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये पूछ रहे थे ना आप लोग कि कितनी देर सोता है क्या करता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये इतना सीधा बच्चा नहीं, इसकी शक्ल देखो, इस मासूम बच्चे की शक्ल देखो पहले सब लोग, जितना सीधा दिख रहा है उतना ही टेढ़ा है, है ना? हंसी आ गई तो सब समझता है का। चलो बाय करो, बाय बदमाशो, ये बहुत बदमाश बच्चा है, ये बहुत बदमाश है। चलो मैं आपको ना बाद में बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम ये शांत हो जाए फिर आपको बताती हूँ कि सोता कब है क्या है। बहुत तबड़क तबड़क तबड़क, कहाँ जा रहे हो बच्चे? ओ बच्चे, अरे बच्चे कहाँ जा रहे है? इसको बहुत खुराफात करवाते ना, इसको बहुत मजा आता है। तबड़क 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 तबड़क, ये कौन है? हाय, हाय बच्चा, मेरा बच्चा। पिच्चू कर दी मेरी, टिक 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 टिक। यशो यशो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? मार दे भैया को, भैया को उठाते ऐसे प्यार से उठाते ना। ये देखो कहाँ चढ़ गया ये लड़का, अब देखो ये पूरा एवरेस्ट का पहाड़ आज ही चढ़ जाएगा क्या भाई? ये देखो सब लोग इसको देखो पहले, क्या हो रहा है यशु? ये यशु इधर आओ। अरे बेटा तू रुक जा भी। ये पता है क्या करता है, ये यहाँ पे खोल करके इसको और इसके अंदर हमारी क्लिप्स मोबाइल कुछ भी इसके अंदर मिलता है, जो भी चीज खो जाती है हम इसके अंदर खोल के ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये भाई सब खोल के उसमें डाल देते हैं सारी चीज। ओए पिड्डू मास्टर, ओए छोटू छोटू। हाय दोस्तों, हम लोग बाहर आ चुके हैं, वेलकम वेलकम करेंगे ना आपका सर, कैसे आप? चलो 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 मस्ती करने चलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं मस्ती करने के लिए। हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ बाहर से, आए हुए मुझे हो गया है आधा घंटा जैसा हो गया है। आकर के सबसे पहले मैंने यश को खाना खिला दिया, क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा पहले उसको एक बार फ्री कर देती हूँ। और अब हम लोग, मैं चाय बनाऊंगी और चाय के साथ आज मेथी के पराठे हमारे डिनर में, तो वही खाने का है। तो फिर अलग से चाय और फिर डिनर करने की बजाय हम लोग एक साथ ही सब कर लेंगे, तो 7:30 हो ही रहा है अभी, करते कराते में 7:45 या 8 जैसा बच जाएगा, तो यही हमारा रहेगा आज। थोड़ा अर्ली डिनर हो जाएगा, अर्ली क्या मतलब, नॉर्मली ऐसे 8 बजे तक हम लोग आजकल कर लेते हैं, बना करके पहले ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको जो बताने वाली थी बात कि यश कितना सोता है, आप लोगों ने पूछा था दिन में कितना सोता है और रात में कैसे क्या रहता है उसका, तो वो जैसे लॉन्ग स्लीप वाला बेबी नहीं है कि वो एक बार में बहुत लॉन्ग, इस एज में नॉर्मली बच्चे लॉन्ग स्लीप लेते हैं, आवाज़ आ रही है इसकी खेलने की, तो लॉन्ग स्लीप लेते हैं बच्चे, बट यश वैसा नहीं है। यश आधा घंटा कंटिन्यू सोता है, उससे ज़्यादा आई थिंक सोता नहीं है। आज उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी और वो मतलब आज मैंने 3-4 वीडियोस बना लिए, तो भी वो सोता रहा, और उसके बाद उठ करके भी वो मतलब ऐसा नहीं है कि उठ गया था तो मेरा फिनिशिंग चल रहा था तो मैंने कंप्लीट कर लिया, देन फिर मैं उसके पास आई तब फिर वो उठा। तो मेरे ख्याल से आज वो 1 घंटे जैसा सो गया होगा, कम से कम 1 घंटा तो सोया ही होगा, क्योंकि मैंने बनाए हैं 2-3-4 वीडियोज़ ऐसे कुछ बनाए हैं।
तो आज लंबा सो गया। अदरवाइज वो बिल्कुल भी लंबा नहीं सोता है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं सोता है। मतलब आप ये सोचो कि मैं उसको सुलाती हूँ, सुला के जाती हूँ, नहाती हूँ, नहा करके आती हूँ, फेस पे क्रीम लगाती हूँ, तब तक वो उठ चुका होता है। तो मैं बॉडी पे क्रीम भी नहीं लगा पाती हूँ इतनी देर में वो मतलब उठ जाता है। तो उसका रहता है, तो दिन में वो कितनी बार सोता है, तो मतलब 4 बार तो सोता ही है कम से कम, उसके 5 बार भी सो सकता है। मैं भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठ जाता है, सुबह उठता है, फिर फीड लेता है या फिर मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ, फिर वो खाता है, पीता है, थोड़ा सा एक्टिविटी करता है, फिर उसको नींद आने लगती है, तो फिर वो सो जाता है 10:30 के आसपास। वो मतलब वो 9 बजे उठता है और फिर 10:30 के आसपास वो सोने के लिए करने लग जाता है, फिर आधा घंटा पौना घंटा ऐसा सोता है, फिर उठ जाता है, फिर खेलता है कूदता है, तो ऐसे करके 4-5 बार तो वो सो ही जाता है दिन में भी। और रात में वो ऐसा परेशान नहीं करता है, मतलब नाइट की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा परेशान नहीं करता है, बट वो उठता है। ऐसा नहीं कि एक बार सो गया या बीच में सिर्फ एक बार उठा और फीड लिया और सो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मैं 2-3 बार तो मुझे ऐसा फील है कि हाँ मैं भी नींद में रहती हूँ, तो मुझे कॉन्शियस में है नहीं एग्जैक्टली कितने नंबर है, बट मेरे को लगता है कि 2-3 बार तो वो फीड लेता है, तो बहुत ज़्यादा फीड भी नहीं लेता, बट उसकी नींद टूटती है। और वो सुबह एक अर्ली मॉर्निंग वो उठता है, मेरे ख्याल से 4 से 5 के बीच में उठता है। जैसे कल वो उठा था 5 बजे, तो उसको पॉटी आ रही थी, तो फिर मैंने 5 बजे बैठ करके उसको फिर पॉटी पे बैठाया, उसने पॉटी वोटी की। तो ऐसे भी वो कभी करता है, कभी 6 बजे उठ जाता है और कभी कभी वो आराम से सो जाता है, तो इट डिपेंड्स। बट रात में ऐसे उतना कुछ ऐसे परेशान नहीं करता, टच वुड, भगवान कृपा करना बस लेकिन वो सोता है। लेकिन ये है कि मुझे उसके साथ में लगे, मतलब उसके साथ उसकी तरफ मुँह करके मैं सोती हूँ। अगर मेरा मुँह उधर हुआ तो वो मेरी करवट से या एक आहट से या कंबल हिला है कुछ हुआ तो वो उठ जाता है। उसकी नींद वैसी पक्की वाली नहीं है कि वो सो रहा है। जैसे आरएफ सोता था ना, तो क्या होता था कि अगर वो सो रहा है, गहरी नींद में चला गया, तो फिर वो उसको कितना भी हिलाओ, कितना भी शोर करो, कुछ भी करो, नहीं उठता था। ये मेरी नींद पे चला गया, इसकी नींद मेरी नींद की जैसी, हल्की सी आहट भी हुई, कुछ भी हुआ, मतलब मेरी चूड़ी खनकती है ना, तो भी आरएफ के टाइम भी, हालांकि मैंने इसीलिए चूड़ी उड़ी उतार के रखना शुरू कर दिया था, अभी तो मैंने पायल भी पहननी हुई है, तो वो जरा सी भी छन छुन कुछ भी आवाज होती है ना, तो वो तुरंत मतलब उठ जाता है। तो अगर मैं उसके पास रहती हूँ तो तुरंत उसे थप्पी कर देती हूँ, वो वापस से सो जाता है। तो इस तरीके से उसका नींद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मुझे उसके साथ थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि टाइम उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, वो पूरे टाइम उसके साथ चाहिए। वो सोता है, अपनी नींद तो वो पूरी कर लेता है, लेकिन एक लंबे गो पे नहीं करता है। तो और उसको छोड़ भी, मतलब वो बैठता भी ना, तो इस तरीके से पूरे टाइम वो आवाज़ करना या खेलना या कुछ करना, ऐसा नहीं कि उसको कुछ एक चीज़ दे दी तो वो उसमें उलझा हुआ है, उस टाइप का उसका नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, मतलब एक्टिविटी करता रहता है, तो उसके साथ मतलब अगर आप हो तो सिर्फ उसका ही आप कुछ कर सकते हो, और कुछ दूसरा काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज बस प्रभु की कृपा थी, आज मेरा व्रत था, तो शायद भगवान जी ने मेरे ऊपर कृपा की कि आज उसने मुझे थोड़ा टाइम दिया। तो अभी आने वाले वीक में आप लोगों को वीडियोस वगैरह थोड़े मिल जाएंगे, मैंने रेसिपी भी शूट की है, तो वो सब मैं शेयर करूंगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग में फिर रेसिपी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए वो अलग से मैं, बाय द वे मैं इंस्टाग्राम पर तो रेगुलर कुछ ना कुछ रेसिपी या रेसिपी रिलेटेड चीज़ें शेयर करती ही रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर छोटा वीडियो डालना रहता है, बट यहाँ पर भी सारी रेसिपीज आएंगी वन बाय वन करके, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। और क्या देखना चाहते हो वो भी बता रहा, बट ये है। तो ये सारी चीज़ें नींद के पैटर्न पर, तो अब मैं जाऊँगी डिनर करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रखा है? अरे बाप रे, खाना खाओगे? पराठा खाओगे? पराठा हाँ। यह मेरा आज का डिनर, जिसमें मैंने बनाया है मेथी के पराठे, 2 मैंने ले लिए हैं, और चाय ले ली है। चाय के साथ मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने शाम की चाय नहीं पी है, तो अभी पी ले रहे हैं। और ये है गाजर का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी बना था, मतलब काफ़ी अच्छा बना था। और ये है हरी चटनी, वही टमाटर, धनिया, हरा लहसुन और ये सब डाल करके बनाई थी मैंने। तो ये मेरी फाइनल डिनर थाली है, जा रही हूँ मैं खाना खाने।
और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपने डिनर में क्या खाया। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, सो दैट कि मैं जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।